गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल या डाट अमितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा तो बात करते हुए आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 1979 ग्रैंड मास्टर कौन बने? रणेश एम बने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के शरण में लोक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर कौन रहा? चेन्नई। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अम्बेडकर एफ लाइफ का विमोचन किया है? शशि थरूर ने। कौकी माधवन ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। पीवी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट इन एज लिखी गई है। द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग अर्नेस्ट टाइम्स नामक पुस्तक भी सलोबामा ने लिखी। मनीष गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। नालंदा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रैन नाभा ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में कौन पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस की मेजबानी कर रहा है? ये आपका हैदराबाद करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र शासित मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक कृपांजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया। तेलंगाना नीम के पेड़ों की पत्तियां को डाइक बैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने आटी वेलंगू योजना को फिर लॉन्च किया। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे संभाला गया? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। भारत पे के CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया। सियाचिन में तैनात होने पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिम कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी DGP सिंह बनी। हाल ही में सरकार ने कहा सांस्कृतिक भाषा रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की? लद्दाख। लद्दाख के रक्त से कालपो खुबानी को GI टैग मिला। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं विश्व सिंधु दर्शन लेह में शुरू किया। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में किया गया। अभी स्लाइड के ऊपर देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में भारतीय वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार का असम। असम में मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आग बनाने के विधेयक को मंजूरी के। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। हाल ही में देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें लुक्का वियाली का निधन हो गया, इटली। हाल ही में बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में? जम्मू कश्मीर। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रबस्तान को नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में किसी पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहा गया? गोवा। भारत गोवा के सबसे लंबे केबल स्थित 8 लाइन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गोवा में। 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य 2023 का उद्घाटन गोवा में। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री मुख्य देव दर्शन योजना का अनावरण किया गया। हाल ही में बैंक ने पूर्ण डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया एक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। जैसे हमने कल प्रश्न पूछा था, हाल ही में किसने वेल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में। अगला प्रश्न है जो कमेंट में करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हाल ही भारत के किस देश को छोड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? ये आपको कमेंट में इसका उत्तर करके जरूर बताना। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल या डाटा अमितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।